अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9, आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1.3, पार्ट नंबर 8, विच इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो पार्ट नंबर 8 इज़, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट फर्स्ट इज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो हेयर यू हैव टू प्रूव whether a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose. So first of all you have to add a plus b, then take their transpose. So left hand side is a plus b whole transpose. Now we are going to add a plus b. So a is 1 0 2 1 and b is 1 2 1 0. So a plus b is equal to 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 0 plus 2 2 and 1 plus 0 1. So answer is 2, 2, 3, 1. Now A plus B whole transpose, we will take transpose of this A plus B. Now change this row into column. So 2, 3, 2, 1. So A plus B whole transpose is equal to 2, 3, 2, 1. So this is left hand side. This is left hand side. Second is right hand side, which is A transpose plus B transpose. So first of all we will take out A transpose. So 1 2 0 1 and B transpose is 1 1 2 0. Now add A plus B. A transpose plus B transpose. So A transpose is 1 2 0 1 and B transpose is 1 1 2 0. अब यहाँ पे आपने A transpose और B transpose को add कर देना। 1 plus 1, 2, 0 plus 2, 2, 2 plus 1, 3 and 1 plus 0, 0. A plus B whole transpose is 2, 3, 2, 1 and 1 plus 1, 2, 0 plus 2, 2, 2 plus 1, 3 and 1 plus 1, 0. Oh sorry, 1 plus 0, 1, यहाँ पे 1 आएगा, sorry. And this is right hand side. Now left hand side is equal to right hand side, hence it is proved that A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. यहाँ पे प्रूव हो गया है कि A plus B whole transpose जो है वो A transpose plus B transpose के इक्वल है. Second part is also same, A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose. यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ऐड किया था, यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी सारा मेथड सेम है. नंबर थर्ड इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज सिमेट्रिक. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज. कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो, ठीक है, तब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो दोनों सेम हो. फॉर एग्जाम्पल A is symmetric if A transpose is equal to A. For example, A कोई matrix है और हमने उसका transpose ले लिया. अगर transpose और A दोनों equal आ रहे हैं, इसका मतलब है वो क्या है, symmetric है. So you have to prove that A plus A transpose is symmetric. सबसे पहले आपने A plus A transpose को solve करना है, उसके बाद जो answer आ जाएगा इसका, उसका दोबारा से transpose लेना है. अगर वो दोनों same हुए तो फिर आपका ये matrix symmetric होगा. So first is A and A transpose is 1 टू जीरो वन. यहाँ पे आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया है. नाउ एड ए प्लस ए ट्रांसपोज 1021, 1201. सो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 1 2. नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज. अब ये वाला जो नंबर है इसी का मैट्रिक्स है, इसी का आपने दोबारा ट्रांसपोज लिया. Change this row into column 2, 2 and 2, 2. Hence it is proved that A plus A transpose is symmetric. यहाँ पे देखें इसका transpose और ये जो number है ये दोनों same आ गया, इसका मतलब है A plus A transpose is symmetric. Number fourth is also same, which is A minus A transpose is skew symmetric. तो ये आपने इसको मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ. नंबर फिफ्थ सेम है, वो इसी तरह है, आपने इसी तरह सॉल्व करना है. So number fourth is A minus A transpose is skew symmetric. So what is skew symmetric? A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A. अगर
उसका ट्रांसपोज जो है वो माइनस एक इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सॉरी. सो ए इज 1 0 2 1 एंड ए ट्रांसपोज इज 1 2 0 1. नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज हम करेंगे, ए इज 1 0 2 1 एंड ए ट्रांसपोज इज 1 2 0 1. इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 0. ठीक है. नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो आ चुका है उसका हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, तो क्या हो जाएगा, इस रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 2 और -2 0. अब आपने देखना है कि ये नेगेटिव, अब हम ए नेगेटिव भी ले लेंगे. ठीक है, माइनस ए इज इक्वल टू ये है, इसमें हमने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं, -1 अब आपने क्या किया, ए माइनस ए ट्रांसपोज को आपने क्या किया, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना चाहिए. अब ये जो हमने ए यहाँ पे ले लिया इसका माइनस, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये इसके माइनस के इक्वल आ रहा है. ठीक है, दिस इज 0 2 -2 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0 -2. यहाँ पे देखें इसके साइन चेंज हुए हैं, यहाँ पे 0 2 था, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 2 हो गया, और ये 0 तो 0 ही रहेंगे. सो इट इज़ प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. हमने दोबारा से माइनस ए नहीं लेना, बल्कि हमने ये जो आंसर आ चुका है इसी का दोबारा से हमने ट्रांसपोज लेना है. अगर वो माइनस ए के इक्वल है तो इसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक. सो ये माइनस ए के इक्वल आ गया, हैंस इट इज़ प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है. नंबर फिफ्थ इज ये थर्ड के सेम है, और नंबर सिक्स जो है ये फोर्थ से सेम है, ये आपने सेम इसी मेथड से सॉल्व करने हैं. सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1.3 पार्ट नंबर 8, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. ये आपने सिक्स जो पार्ट्स हैं इन सबको सॉल्व करना है, दिस इज योर होमवर्क. जजाकल्ला.